बताएंगे। देखो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वीटी ग्राफ। वीटी ग्राफ और स्पीड टाइम ग्राफ एक हो सकता है जब बॉडी कैसे ट्रेवल करेगा, सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा। बच्चा लोग वेलोसिटी से हम लोग क्या निकाल सकते हैं जल्दी बताओ। वेलोसिटी से हम एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं और वेलोसिटी से हम डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। तो चलो सीखो और देखो यहाँ पे कैसे क्या निकलेगा। अगर हमको स्लोप निकाल लेंगे वीटी ग्राफ का तो वो क्या दे देगा बच्चा लोग, एक्सेलरेशन। ये चीज ध्यान रखना, आगे जाने पे क्या देता है बच्चा लोग, एक्सेलरेशन, और पीछे जाने से क्या निकलेगा, एरिया अंडर कर्व। क्या निकलेगा, एरिया अंडर कर्व। अब ये नया चीज आया जो तुम लोग को इसलिए हम बताएंगे, एरिया अंडर कर्व जो है वो तुम लोग को क्या दे देता है, वेलोसिटी देता है या डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट। और वीटी ग्राफ का अगर स्लोप निकालेगा तो क्या देगा जल्दी से बताओ, एक्सेलरेशन देगा। तो इस चीज का तुम लोग सब बच्चा लोग ध्यान रखना। यहाँ पे हम पहले ये बात बता दिए, इसमें भैया एक्स एक्सिस पे किसको दिखाते हैं, वाई एक्सिस पे किसको दिखाते हैं, तुम लोग बताओ। हमेशा टाइम को किस एक्सिस पे दिखाना है, एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस पे किसको दिखाएंगे, वेलोसिटी को दिखाएंगे। पक्का हो गया? तो भैया आप स्लोप का बात किए थे, हाँ हमको एक बात बताओ बच्चा लोग, वेलोसिटी से हम तुमको बोल रहे हैं स्लोप निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, एक्सेलरेशन। ठीक है, तुम लोग एक बात बताओ, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या पड़ा है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। ये बात पक्का है? तो तुम जब स्लोप निकालोगे तो तुमको ये डायरेक्टली क्या दे देगा, एक्सेलरेशन दे देगा। तो इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और जीरो भी आता है। तो अब हम तुमको ये चीज बताएंगे कि पॉजिटिव कब आता है, तुम लोग बताओ एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आएगा भैया, जब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से क्या होगा, छोटा, तब एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा। जब बता बच्चा लोग इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से ज्यादा होगा तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन। हम बोले थे, समझाए थे पहले क्लास में, गाड़ी चल रहा है 20 मीटर पर सेकंड से, गाड़ी ने ब्रेक लगाए, अब गाड़ी का स्पीड हो गया 10, लेके 0 हो गया। अब बताओ वेलोसिटी बढ़ा कि घटा, घटा, वेलोसिटी घटा तो गाड़ी क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। तो रिटार्ड कर रहा है तो ये चीज समझ में आ गया, समझ कि इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी से क्या हो जाएगा, ज्यादा। और अगर वेलोसिटी भैया यहाँ पे देखिए, वेलोसिटी ही 0 हो गया तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय टाइम क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जो है पॉजिटिव भी आता है, नेगेटिव भी आता है और 0 भी। उसी तरह बच्चा लोग बताओ डिस्प्लेसमेंट भी पॉजिटिव, नेगेटिव और क्या आ सकता है, 0। तो चलो हम तुमको इस बार सिखाएंगे आज के क्लास में कैसे हम लोग को निकालना है इसका वैल्यू। बहुत ईजी है, बहुत बहुत ज्यादा ईजी। इसमें तुमको अगर लग रहा है कि बहुत ज्यादा कुछ सॉल्व करना पड़ता है, एकदम ऐसा है ही नहीं, तुम लोग देखना खुद तुम लोग बनाने लग जाएगा आज। चलो देखो, तो हम लोग यहाँ पे अभी तक बस यही चीज जाने कि अगर वीटी ग्राफ देगा या एसटी ग्राफ देगा, अगर सेम डायरेक्शन में होगा दोनों बराबर हो जाएगा। भैया अगर स्लोप निकालेंगे वीटी ग्राफ का तो क्या दे देगा, एक्सेलरेशन, और एरिया अंडर कर्व निकाल लेंगे तो क्या दे देगा। अब ये एरिया अंडर कर्व है क्या भैया, तो तुम लोग को वही चीज दिखाने के लिए हम एक एक करके सारा केस डिस्कस करेंगे। ध्यान देना बच्चा लोग और सुनते जाना। यहाँ पे देखो बच्चा लोग, अब हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो है वीटी ग्राफ। देख, स्टार्ट करते हैं आज हम लोग क्या पढ़ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अभी तक जो बताया वही पहला दूसरा पैराग्राफ में तुम लोग को बताएगा। इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, टाइम किस एक्सिस पे ले रहा है बच्चा लोग, एक्स एक्सिस, और वेलोसिटी किस पे ले रहा है, वाई एक्सिस। हम तुम लोग को पहले ही ये चीज बता देते, तुम लोग अपने बुक में या बगल में ऐसे छोटा सा डायग्राम बना ले, इधर टाइम ले ले सेकंड में, इधर ले ले क्या जल्दी से बता, इधर वेलोसिटी ले ले, इधर क्या ले ले, वेलोसिटी। वेलोसिटी कौन बच्चा बताएगा, उसका यूनिट क्या लेगा, मीटर पर सेकंड लेगा। तो तुम लोग देख सकते हैं यहाँ पे लिख ली है भैया। यहाँ पे देखिए, अगर हम इसका स्लोप निकालेंगे तो क्या दे देगा बच्चा लोग, एक्सेलरेशन। अब बच्चा लोग जो एरिया अंडर कर्व का बात कर रहे थे, तुम देखो इस फिगर के नीचे इस रेड कलर के लाइन में ये फिगर बन रहा है। कौन बच्चा बताएगा, ये जो फिगर बन रहा है येलो कलर से, ये कौन सा फिगर है, ट्राइंगल है, ये क्या है, ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है बच्चा लोग, एरिया अंडर कर्व जो आ गया यहाँ पे वो क्या चीज का एरिया आ रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। और ये तुमको क्या देगा बच्चा लोग, डिस्प्लेसमेंट। क्या देगा,
तो तुम लोग ये चीज देख लो, वीटी ग्राफ ऐसे लिखे, आगे जाने पे एक्सेलरेशन मिलता है, पीछे जाने पे डिस्प्लेसमेंट मिलता है। आगे जाने के लिए स्लोप निकालना पड़ता है, पीछे जाने के लिए एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ता है। तो बहुत छोटे में तुमको एकदम बता रहे, इस चीज को सब बच्चा लोग ध्यान रखेगा। किसी को कोई दिक्कत है बच्चा लोग, सबको समझ में आ गया? ये चीज नोट भी कर लेना अपने बुक में, जब भी पढ़ेगा तेरे लिए आसान हो जाएगा। पेंसिल लेके बैठा करो जब भी पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद देखो आगे क्या बता रहा है। यहाँ लिखता है, एक बात बताओ, वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी होता है जल्दी बताओ। हम बताए थे स्पीड से एस से याद रखना स्केलर और वी से याद रखना वेलोसिटी वेक्टर। तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, द पॉजिटिव वेलोसिटी मींस द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन अवे फ्रॉम इनिशियल। ये तो हम लोग कल के क्लास भी डिस्कस किए थे। अगर तेरा पॉजिटिव वेलोसिटी आ रहा है तो गाड़ी क्या हो रहा है, सीधा जा रहा है। नेगेटिव वेलोसिटी आ रहा है तो गाड़ी घूम के क्या हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन की तरफ आ रहा है। तो ये चीज तुम लोग को भी पता है। तो देखो आगे क्या लिखता है, फ्रॉम दी वेलोसिटी टाइम ग्राफ वी कैन डिटरमाइन, देखो लिख दिया यहाँ पे, क्या निकाल सकते हैं हम लोग, डिस्प्लेसमेंट। दूसरा चीज क्या निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन। तो हम दोनों निकालने का तरीका भी बताए कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो बच्चा लोग क्या निकालेगा जल्दी बता, एरिया अंडर कर्व, और वेलोसिटी निकाल से हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो क्या निकालेगा, स्लोप निकालेगा। क्या निकालेगा, स्लोप। हर जगह स्लोप वैसे ही निकालना है, डेल्टा वाई बाई डेल्टा, मतलब वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस डेल्टा का मतलब होता है फिजिक्स में स्मॉल चेंजिंग, क्या होता है, ठीक है। ये हर जगह ये चीज ध्यान रखना फिजिक्स के लिए। अब आ जाओ यहाँ पे देखो, एक एक करके हम लोग ग्राफ चालू करते हैं। बच्चा लोग जरा सा ध्यान देना, हम सीधे तुम्हारे को ये ग्राफ पे ले चलते हैं। तुम लोग के पास बुक होगा, तुम लोग अपने बुक में नोट करना, लेकिन पहले समझो, हम तुमसे पूछ रहे हैं हमको डिस्टेंस बताओ, और हम तुमसे पूछ रहे हैं हमको डिस्प्लेसमेंट बताओ। डिस्टेंस इज ऑलवेज एंड डिस्प्लेसमेंट कैन बी, वेरी गुड बच्चा लोग। अब यहाँ पे देखो, ये भैया क्या ग्राफ दे दिया, आज तक जिंदगी में नहीं पढ़े थे, पढ़ा था तुम लोग नहीं। अब हम तुमको बताते हैं कि कुछ भी नहीं, ये गाड़ी का मोशन है। गाड़ी का क्या है, अब ये भी मत सोचना गाड़ी ऐसे गया फिर ऐसे आया ऐसे गया, ये भी नहीं बोल रहे, ठीक है। यहाँ पे अब चलो देखो क्या हुआ है। यहाँ पे पहला तो देख बच्चा लोग, ये वेलोसिटी और कौन सा ग्राफ है, टाइम। हम तुमको ये कहना चाहते हैं, अगर इफ आई आस्क यू गाड़ी का 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, गाड़ी का 3 सेकंड पे वेलोसिटी कितना है, तुम लोग बुक से देखो, टाइम दिख रहा होगा स्क्रीन में पूरा, यहाँ पे 3 सेकंड का वेलोसिटी कितना दिख रहा है बच्चा लोग, 5 आ रहा है। तो डायरेक्टली तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ करके क्या बता दोगे, वेलोसिटी बता दोगे। तुम लोग यहाँ पे देखो भैया, यहाँ गए, यहाँ से मेरा ग्राफ मैच कर रहा है, यहाँ देखे वेलोसिटी हमको वाई एक्सिस पे मिलेगा, तो वेलोसिटी 3 सेकंड पे कितना था गाड़ी का, 5 सेकंड। मेरे को अनुष्का तुम बताओ 2 सेकंड से गाड़ी का वेलोसिटी क्या है, सब सोच के रखो। तने तुम बताओ जल्दी से, दिया नहीं कोई बच्चा को, दिख रहा है कितना दिया हुआ है, वेरी गुड। यहाँ पे कहना बात तो सही था कि दिया हुआ नहीं है, अब हम एक वैल्यू डाल रहे हैं, तुम लोग अब देख के बताना जरा। अब बता कितना है वेलोसिटी, 4 है, वेरी गुड। समझ गया सब बच्चा लोग कैसे निकल रहे हैं, भैया आप 2 सेकंड में बोले, हम 2 सेकंड पे आए, ऐसे परपेंडिकुलर गिराए तो 4 पे मिल रहा है, तो कितना हो गया वेलोसिटी, 4 हो गया। अच्छा बता बच्चा लोग, गाड़ी 4 सेकंड से वेलोसिटी कितना है, 0। 4 सेकंड से वेलोसिटी क्या है, इसका मतलब क्या हुआ है, गाड़ी का वेलोसिटी 0 कब होगा, जब गाड़ी रुक गया होगा, या गाड़ी घूम के, नहीं गाड़ी रुक गया होगा। वेलोसिटी 0 का मतलब क्या है, हम जा रहे थे, वेलोसिटी क्या हो गया, रुक गया। लेकिन यहाँ पे देखो, पहले इधर क्या आ रहा था, पॉजिटिव, और इधर क्या आ रहा था, नेगेटिव। इसका मतलब वो घूमा है, वो क्या हुआ है, घूमा है। अब तुम लोग को एक एक करके हम ये पूरा ग्राफ के बारे में बताते हैं। चलो देखो यहाँ पे, सुनना मेरा बात। सबसे पहला चीज तो तुमको ये बताना चाहते हैं कि अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इससे हमको चाहिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकल सकता है। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा जल्दी बताओ, एरिया अंडर कर्व। एरिया अंडर, तुम लोग देख के बताओ जल्दी से मेरे को। हम यहाँ पे अलग अलग कलर कोड यूज कर रहे हैं। पहला जो फिगर है, ये रेड ट्राइंगल दिख रहा है तुम लोग को, ये जो है ये रेड ट्राइंगल देखो, यहाँ पे पहला पार्ट अगर तुम लोग देख रहे हैं, ये ट्राइंगल दिख गया 4 सेकंड तक का,
अब भैया गाड़ी 4 सेकंड से 9 सेकंड तक स्पीड ट्रेवल किया है, लेकिन यहाँ पे तुम लोग देखो उस दौरान इसका वेलोसिटी जो था वो क्या था, नेगेटिव। नेगेटिव वेलोसिटी का मतलब गाड़ी इज ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। वेरी गुड बच्चा लोग। तो यहाँ पे देखो ये जो ग्रीन मार्क कर रहे हैं, इतना देर गाड़ी जो है वो क्या चीज में चल रहा है, अपोजिट डायरेक्शन। फिर आ जाओ यहाँ पे ऊपर, भैया यहाँ पे 9 सेकंड था, 9 सेकंड से लेके 13 सेकंड तक, 9 सेकंड से लेके 13 सेकंड तक गाड़ी जो है वो फिर से ट्रेवल किया है। गाड़ी फिर से क्या हुआ है, कभी वेलोसिटी बढ़ा, कभी वेलोसिटी सेम रह गया, और फिर कभी वेलोसिटी क्या होने लगा, घटने लग गया। भैया सामने गाड़ी में कोई मतलब गाड़ी के सामने कोई आ गया, हम थोड़ी चढ़ा देंगे उसके ऊपर, हमको वेलोसिटी को ब्रेक लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो 12 सेकंड में ब्रेक लगाए थे और गाड़ी 13 सेकंड जाके क्या हो गया, रुक गया। समझ में आ गया ये चीज, 13 सेकंड जाके क्या हो गया, रुक गया। तो अब बच्चा लोग देखो पहला चीज जो तुमको सिखा रहे आज वो सिखा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। तुमको एकदम क्लियर बताते हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी रहेगा वो क्या रहेगा बच्चा लोग, पॉजिटिव। एक्स एक्सिस के जो भी नीचे रहेगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव। वो क्या रहेगा, एरिया अंडर कर्व। वो क्या रहेगा, एरिया अंडर कर्व। हम फिर बोल रहे तुम लोग को बहुत अच्छा को क्लियरली नहीं दिख रहा होगा, अपना बुक का यूज करो। तुम लोग मेरे को बताओ पहला रेड ट्राइंगल का बेस कितना आ रहा है, गलत 4 आ रहा है। तुम यहाँ तक देख रहे हैं रेड ट्राइंगल का, यहाँ 4 सेकंड दिया हुआ है। रेड ट्राइंगल का बेस कितना आ रहा है बच्चा लोग, 4, और हाइट कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। तो बच्चा लोग देख, हम तेरे लिए एक बार अलग करके निकाल के दिखा देते हैं। भैया ये 0 से 4 आया था तो ये हो गया 4, और यहाँ से इसका हाइट जो है 5 दिखा रहा है, ये हो गया 5। एरिया अंडर कर्व क्या आएगा बच्चा लोग, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये 2 बार में कट गया, कितना आया बच्चा लोग, 10 मीटर। तो गाड़ी 4, अब देखो जब गाड़ी 4 सेकंड तक ट्रेवल किया है बच्चा लोग, तो गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर गया है, 10 मीटर। गाड़ी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, 10 मीटर। समझा तुम लोग। अब अगर हम तुमसे पूछते नहीं मेरे को 4 सेकंड तक नहीं चाहिए, मेरे को 3 ही सेकंड तक का बता कितना डिस्टेंस है, तो तुम लोग कहाँ तक लोगे जल्दी बताओ। भैया बस इतना सा ट्राइंगल ले लेंगे, इतना सा, बस इतना सा दिख रहा है तुम लोग को, ये वाला ट्राइंगल ले लेंगे हम और पूरा रेड कर दिए। अब देखो बच्चा लोग अगर इतना सा ले रहे हो तो बेस कितना हो रहा है, 3, हाइट कितना हो रहा है, 5। तो बता यहाँ पे 3 सेकंड में भैया एरिया आ जाएगा हाफ इंटू 3 इंटू 5, ये आ जाएगा 15/2, 7.5 मीटर। भैया 3 सेकंड तक गाड़ी कितना ट्रेवल किया, 7.5। फिर 4 सेकंड तक गाड़ी कितना ट्रेवल कर गया, 10 मीटर। आया समझ में, अरे हर टाइम पे डिस्टेंस अलग होगा। अब एक बात बतानी, अगर तुम्हें को 2 ही सेकंड तक निकालना है तो तुमको क्या पूरा ग्राफ लेने का दरकार पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। भैया हम लोग बस इतना सही लेंगे, हम लोग बस क्या लेंगे, इतना सही लेंगे। अगर तुम इतना सही ले रहे हो, हम मान लेते इस बार हाइट हो गया 13, 3, हाइट कितना हो गया, हाइट 3 हो गया। भैया ये येलो वाला ट्राइंगल का डिस्टेंस निकालना है, हाँ निकालना है। तो बेस आपका कितना हो रहा है, 2 सेकंड हो रहा है। बेस कितना हो रहा है, 2, और हाइट हो गया 3, हाफ इंटू 2 इंटू 3, 2 2 गया कितना मीटर आ गया बच्चा लोग, देखो तो 2 सेकंड में गाड़ी कितना ट्रेवल किया, 3। फिर यहाँ पे बताओ तुम्हारा 2 सेकंड में 3 ट्रेवल किया, फिर 3 सेकंड में 7.5, 4 सेकंड में 10। तो बताओ क्या इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, नहीं। अगर इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा, इक्वल टाइम इसका मतलब ये वेलोसिटी क्या है, वेरिएबल है। ये वेलोसिटी क्या है, देखो ये भी सीख गया तुम लोग। अब चलो इसी पॉइंट का, इसी लाइन का हम लोग क्या निकाल रहे हैं, हम लोग एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन। मोर जूम कर देते हैं तुम लोग के लिए और इस सबको हटा देते हैं। अब बच्चा लोग जरा सा ध्यान देना, इसी फिगर में ए से लेके बी का हम बात कर रहे हैं। हमको जरा सा बताओ बच्चा लोग, ए से लेके अगर हम बी का बात करें, गाड़ी जो है वो ऐसे इस तरफ, ए से किधर जा रहा है, बी के तरफ। हमको बताओ बी का कोऑर्डिनेट कौन बताएगा, क्या आएगा, 3.5। ए का कोऑर्डिनेट 0.0। भैया स्लोप निकालेंगे तो क्या देगा, एक्सेलरेशन। तो y2 - y1 / x2 - x1। जल्दी बताओ y कितना है, 5 है।
वाई वन कितना है, ले तेरे लिए ये भी लिख देते, ये एक्स वन वाई वन है, ये एक्स टू वाई टू है। अब बता एक्स टू कितना है, थ्री, और एक्स वन तो बता पांच डिवाइडेड बाई क्या आ गया, थ्री आ गया, कोई दिक्कत है, पांच डिवाइडेड बाई थ्री आ गया। इसका मतलब तुम लोग मेरे को बताओ ये वन टू बाई थ्री आ गया, ठीक है, ये कितने बराबर आ गया, 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों लिखे, क्योंकि एक्सेलरेशन है भैया, हम कितनी होगा वो सभी ने चलते रहता, ठीक है, वो राउंड अप करके लिखा। अब यहाँ पे देखो 1.66666 जाते जाता है, हम तो राउंड अप नहीं किए, राउंड अप करके मुझसे बता दिए। अब यहाँ पे देखो बच्चा लोग, ये 1.66 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है वो उसका क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो हम इतना सही लाइन का यूज करके तुमको क्या क्या निकालना सिखाया, भी डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन। तो तुम लोग देखा स्लोप निकाले तो क्या निकल गया, जल्दी से बताओ, स्लोप निकाले तो एक्सेलरेशन निकल गया, और अगर हम यहाँ पे एरिया अंडर कर्व निकाल दे तो वो क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या आएगा, सेम आएगा। अब बच्चा लोग चलो दूसरा चीज देखो इसी ग्राफ में, अब हम तुमको दूसरा चीज जो बता रहे वो क्या है वो देखो। तुम लोग यहाँ पे अब देखेगा, लड़की लोग ध्यान दो, दूसरा चीज जो देखोगे यहाँ पे वो है डिस्टेंस टोटल, बताओ टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है। हम फिर से कलर यूज कर रहे हैं, ये रेड कलर से था, इसको हम ग्रीन कलर से मान लेते हैं। ये फिगर क्या है, कोई जानता है ये फिगर, देखा हुआ है तुम लोग का, इसको क्या बुलाते हैं, ट्रैपीजियम बुलाते हैं। ट्रैपीजियम का एरिया सुन लो अगर जिसको नहीं पता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये दोनों पैरेलल साइड है और इन दोनों के बीच का ये एच मान लेते, ये ए ये बी, और इन दोनों के बीच का हाइट क्या हो गया, एच हो गया। देखो बच्चा लोग अब क्या है, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है सब जन, इसका जो एरिया आया था पहले तो रेड वाले का एरिया कितना आया था, हाफ इंटू फोर इंटू फाइव, ये आ गया था 10 मीटर, ये कितना आ गया था। तो भैया 4 सेकंड के बीच में गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है, 10 मीटर, प्लस में कि माइनस में, हम बोले एक्स एक्सिस के ऊपर जितना होगा वो सब क्या होगा, प्लस। अब बच्चा लोग जरा सा ध्यान देना और वैल्यू ठीक से पुट करना, सब बच्चा को बोल रहे हैं किसी का भी कुछ नहीं पढ़ा हुआ है पहले का, ये एकदम फ्रेश पढ़ाया जा रहा है, ये मत सोचना अभी का इनके तो नहीं समझ में आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखो ये कितना सेकंड है, 4, और ये कितना सेकंड है, 9, तो मतलब यहाँ से यहाँ का कितना डिस्टेंस आया, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 कितना हो गया, चलो ये 5 हो गया, समझ में आ गया। अब भैया डीई का लेंथ बताओ, ये देख बच्चा लो ये 5 है, ये कितना है, ये वाला 5 का बात नहीं कर रहे हम, इस वाले 5 का, ग्राफ का 5, ये इधर इधर कितना आएगा 5, और ये इधर इधर कितना आएगा 8। अब 8 से 5 घटाओगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा। तो बच्चा लोग एक बात बताओ, इसका लेंथ कितना आ गया है ट्रैपीजियम का, भैया एक तरफ आया है 3 और एक तरफ आया है 5, और हमको बताओ हाइट कितना आ रहा है, ये हाइट तो इधर से लेंगे माइनस 5 दिख रहा है, लेकिन तो प्लस में लेके चलो, तुम लोग क्या लेके चलोगे, प्लस में, बाद में बताएंगे क्या करना उसका, बात नहीं आ गया तो ये कितना हो गया 5। अब बताओ एरिया ऑफ ट्रैपीजियम क्या होता है बच्चा लोग, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, 5 और 3 का सम कर दिए और हाइट हो गया ये, तो हाफ इंटू 5 और 3 कितना हो गया बच्चा लो, ये कट के कितना आ जाएगा 20 मीटर। मतलब गाड़ी जो है भैया 4 से लेकर 9 सेकेंड के बीच में कितना मीटर ट्रेवल किया है बच्चा लो, 20 मीटर। लेकिन ये बताओ प्लस में कि माइनस में, यही चीज हमको सिखाना था, ठीक है। तो अगर हमको बताओ बच्चा लोग 9 सेकंड तक बच्चा लोग बस इतना सा बता दो गाड़ी का टोटल डिस्टेंस कितना है, वेरी गुड, गाड़ी का टोटल डिस्टेंस है 30, भैया 20 प्लस 10 को क्या करना है, जोड़ देना है, डिस्टेंस हमेशा ऐड हो जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा लोग, प्लस 10 माइनस 20, मतलब माइनस 10 मीटर इज द टोटल
डिस्प्लेसमेंट। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट थ्रू भी जमीन निकाला है, तो हम लोग को क्या निकालना बचा है ये निकाल के तुम लोग बताओ जल्दी से। इसका एरिया अंडर कट जल्दी निकाल के दिखाओ, एफ से लेके आई तक का। ये 9 है, ये 13 है, तो 13 माइनस 9 कितना आ जाएगा बेस 4। और यहाँ पे देख ये ऊपर वाला देख, ये 10 है और ये इधर 12 है, तो ये कितना बचा 2। हाइट कितना दिया हुआ है 5, हाइट कितना दिया हुआ है 5। तो जल्दी से बता दे मेरे को एरिया अंडर कर्व क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 4 प्लस 2 इंटू 5, हाफ इंटू 6 इंटू 5, ये कट गया कितना मीटर आ गया बच्चा लोग 15 मीटर, प्लस में कि माइनस में, तो ये 15 मीटर जो आया है भैया ये प्लस में आया है। तो ग्राफ की जो जो ऊपर साइड होगा, ग्राफ के ऊपर साइड होगा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वो सब पॉजिटिव आएगा, जो ग्राफ के नीचे होगा वो सब क्या आएगा नेगेटिव। अब हम तुमसे पूछेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड या टोटल डिस्प्लेसमेंट, तो देखो बच्चा लोग कितना आएगा बता भैया। टोटल डिस्टेंस अगर आप बोलोगे तो देखो क्या कर रहे हैं हम, सबको जोड़ देंगे, सबको क्या कर देंगे, कितना था 10, फिर कितना था माइनस नहीं 20, ठीक है वो माइनस डिस्टेंस निकाल दे तो सब जुड़ जाएगा 20, और प्लस कितना हो जाएगा 15, तो कितने के बराबर आ गया बच्चा लोग 45। लेकिन अगर हम पूछेंगे बताओ टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो क्या करेंगे भैया प्लस 10 माइनस 20 प्लस 15, तो ये देख 10 और 15 25, 25 से 10 20 गया कितना बचेगा 5, तो 5 मीटर मतलब गाड़ी आगे ही जा रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 5 मीटर। सबको समझ में आ गया है, क्लियर है, तो यही चीज हमको तुम लोग को समझाना था। यहाँ पे तुमको हम दोनों चीज निकाल के बताए, एक बार डिस्टेंस भी निकालने बताए, एक बार डिस्प्लेसमेंट भी निकालना बताए, जो भी एक्स एक्सिस के ऊपर होगा कहीं वो क्या हो जाएगा पॉजिटिव, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे रहेगा वो क्या हो जाएगा नेगेटिव। डिस्टेंस निकालना है तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, सबको जोड़ना पड़ता है, और डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ता है तो हम लोग को प्लस माइनस साइन का यूज करके टोटल वैल्यू निकालना पड़ता है। किसी भी बच्चा को कोई भी दिक्कत यहाँ तक, ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब बच्चा लोग एक चीज देख, यहाँ पे यही सब चीज कैलकुलेट किया, देखो सब ये 10 मीटर निकाला था, फिर ये भी 20 मीटर निकाला था, और ये भी कितना मीटर निकाला था, लेकिन यहाँ पे ये जो 20 मीटर आएगा ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, माइनस में आएगा, तो ये चीज को ध्यान दे। और यहाँ पे देखिए 5 मीटर जो निकाला वो दिख रहा होगा तुम लोग को, और ये 45 मीटर जो निकाला वो भी तुम लोग को दिख रहा होगा। ये जो 45 मीटर है ये इसका क्या निकला डिस्टेंस, और ये जो 5 मीटर है ये इसका क्या निकला डिस्प्लेसमेंट निकला है बच्चा लोग। तो तुम लोग देखा यहाँ पे क्या किए हैं भैया, यहाँ पे तुम लोग देख सकता है एकदम सिंपल सा चीज है, किसी को कोई दिक्कत पक्का हो गया। अब हम एक और बात बताना चाहते हैं, क्या बात है भैया बताइए, चल देख यहाँ पे थोड़ा सा सिंपल बना रहे तुम लोग के लिए और कुछ नहीं। देख बच्चा लोग यहाँ पे ये कौन सा ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, देख ये 5 है, ये 10 है, ठीक है, ये 15 है और ये 20 है, ये कौन, ये क्या है बच्चा लोग वेलोसिटी, कितने है, ये भी 5 10 15 20 25, ये ग्राफ देख लिया, सब देख लिया, हमको बताओ तुम लोग कैलकुलेट करके बताओ डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, कैलकुलेट देखने आ रहे तुम लोग का डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 10 सेकेंड, इन फर्स्ट 25 सेकेंड और इन 30 सेकेंड, हमको ये निकाल के बताओ तुम लोग जल्दी से, सम बनाओ 10 सेकेंड को लोकेट किए भैया, हाँ कर लिए, ये रहा ग्राफ 10 सेकेंड का, यहाँ तक का ये ट्रायंगल बन रहा है,
भैया बेस कितना है जल्दी बता, 10। बेस हो गया कितना बच्चा लोग, 10 हो गया, हम कलर यूज करते ब्लू, बेस हो गया 10 और हाइट कितना हो गया 20। हाफ इंटू 10 इंटू 20 ये कितना आ जाएगा 100 मीटर। तो सबका पहला आंसर 100 मीटर आना चाहिए था। फिर पूछे डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 25 सेकेंड। अब देखो बच्चा लोग 25 सेकेंड तक का हम लोग यहाँ 10 सेकेंड तक का निकाल चुके, अब बचा कहाँ से 10 देने के कितना निकालना 25। हम यहाँ येलो कलर यूज कर रहे हैं, येलो कलर अगर देखोगे तुम लोग तो मेरे को बताओ ये फिगर क्या लग रहा है तुम लोग को, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल या स्क्वायर वो भी पता चल जाएगा। 25 में 10 घटाएंगे कितना आएगा 15, कितना आ जाएगा बच्चा लोग 15। इसका बेस हो गया 15 और हाइट कितना है 20, हाइट कितना है 20, तो 20 इंटू 15 करना पड़ेगा, ये तो भैया रेक्टेंगल बन गया, तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर। तो कौन कौन बच्चा 300 मीटर लिखा था, कोई नहीं, वेरी गुड, ठीक है, जो 300 लिखा वो गलत लिखा है, आंसर आएगा 100 प्लस 300 400 मीटर। हम पूछे थे फर्स्ट 25 सेकेंड, ये भूल जाओगे क्या, क्या वानी ये जो है ये 100 मीटर नहीं जोड़ोगी, 100 प्लस यहाँ पे कितना हो गया 300 300 प्लस 100 कितना हो जाएगा टोटल 400 हो गया। अब बच रहा है लास्ट वाला का, अगर हम डायरेक्ट पूछते तुम लोग से 30 सेकंड में कितना हुआ तो तुम एरिया ऑफ प्रेसिजन लगा सकता था, लेकिन तोड़ तोड़ के पूछे तुम तोड़ तोड़ के निकाल रहे हो। अब बच रहा लास्ट वाला पार्ट, जरा सा देखो बच्चा लोग ये ऑरेंज वाला पार्ट दिख गया तुम लोग को, 25 से लेकर 30 सेकंड के बीच में ये 5 सेकंड में मामला कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, एरिया अंडर कर्व, तो भैया ये एरिया अंडर कर्व कितना आ रहा है, बेस आ रहा है कितना बताओ 5, हाइट कितना आ रहा है 20, हाफ इंटू 20 इंटू 5 करेगा बच्चा लोग कितना आ जाएगा 50 मीटर। तो टोटल कितना कवर किया है 450 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे गाड़ी सीधा जा रहा है, गाड़ी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, यहाँ पे डिस्टेंस भी उतना ही है जितना क्या है बच्चा लोग डिस्प्लेसमेंट, जितना क्या है डिस्प्लेसमेंट, गाड़ी जो है आपका क्या हो रहा है वो रेफरेंस पॉइंट से आगे ही जा रहा है। आ गया था मेरा अभी सिखाया था प्रकृति, देखिए कभी समझ में आ गया, सब बच्चा समझा कि नहीं समझा, अब चलो ये समझ गया कि जीरो, तो देख सकता है तुम लोग यहाँ पे हम तुम लोग को यही चीज बता रहे हैं कि स्लोप निकालना पड़ेगा, तो हम पहले ओ से ए के बीच का निकाले, तो ओ से ए के बीच का निकाले ये x1 y1 है वो क्या है x2 y2, स्लोप निकालेंगे तो फॉर्मूला होता है y2 - y1 / x2 - x1, तो हम यहाँ डायरेक्टली 20 - 0 और 10 - क्या कर दिए 0, ये तो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ एक्सेलरेशन मेरा क्या रहा है पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब क्या, मेरा गाड़ी का स्पीड बढ़ रहा है, वेरी गुड, हम लोग अभी गाड़ी को एक्सेलरेट होता है ना ऐसे जोर करके कर लेते हो तुम लोग, तो अभी एक्सेलरेट कर रहे हो तुम लोग। अब यहाँ पे देखो ए से बी के बीच में क्या हो रहा है, भैया गाड़ी का जो स्पीड है मान ली हम 40 मीटर पर सेकेंड से छोड़ दिए, अब 40 मीटर पर सेकेंड से खलीफाबाद से कहाँ तक चले गए घंटा घर तक, तो वेलोसिटी मेरा क्या है सेम है, लेकिन एक्सेलरेशन क्या है मेरा जीरो है, एक्सेलरेशन क्या है जीरो, मतलब इस ए से बी के बीच में क्या हुआ है वेलोसिटी रिमेन्स सेम, कौन बच्चा बताएगा कितना वेलोसिटी आ रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, वेरी गुड, जो बच्चा बताया वो क्या किया देखो भैया, वो कुछ नहीं किया बस यहाँ पे देख लिया कि ये 20 मीटर पर सेकेंड है, देखो सारा आंसर यहाँ पे है चुका हुआ। अब इसके बाद बताओ, अब जब बी से सी की तरफ जा रहा है ग्रीन वाला पार्ट में, तो बी से सी जा रहा है पहले बी पॉइंट आएगा कि सी पॉइंट आएगा, पहले बी, तो इस बार तुम लोग पहले ये कोऑर्डिनेट लेना और फिर ये वाला, मतलब यहाँ पे ये हो जाएगा x1 y1 और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या है बच्चा लोग 30, 0, ये हो जाएगा x2 y2। अब तुम लोग देखो इसके दौरान क्या हुआ है भैया, फॉर्मूला लगा दे क्या, हाँ लगा दे, क्या हो जाएगा 0 - 20 / 30 - 25, ये भी देखो ये यहाँ पे 25 आ रहा है, जीरो मत ले लेना गड़बड़ हो जाएगा, -20 / कितना हो गया 5, टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, टाइम कभी भी नेगेटिव, तो यहाँ पे देखो -20 / 5 करेंगे, यहाँ पे देखो बच्चा ये कैलकुलेशन चल रहा है मेरा, यहाँ से उठाए हम यही लिख देते हैं, ये हटा देते एक बार तुम लोग के लिए,
ये क्या आया, 0-20, 0-20 बाई कितना आ रहा है, यहाँ पे देखो सब बच्चा लोग, 30-25, तो ये आ गया -20 बाई कितना आ रहा है 5, -20 बाई कितना आ रहा है 5। -20/5 अभी आ जाएगा तो कितना हो जाएगा बच्चा लोग, -4 m/s². अब ये जो माइनस आया है इसका मतलब बॉडी क्या कर रहा है, रिटार्ड कर रहा है। बॉडी रिटार्ड करने का मतलब क्या है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग, ठीक है, वेलोसिटी क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो बच्चा लोग यही चीज हम तुमको समझाना चाहते हैं इस ग्राफ से, देख लो यहाँ रिटार्ड लिख दिए, इस ग्राफ से तुम लोग क्या सीखा बच्चा लोग बताओ, इस ग्राफ से हम तुम लोग को यही चीज बताना चाहते हैं। देख बच्चा लोग इस ग्राफ से हम तुम लोग को यही चीज बताना चाह रहे हैं, देखो अब और क्लियर कर देते तुम लोग के लिए ऐसे करके, अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है यहाँ पे देखो, अगर ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो तुम लोग को ये चीज समझना होगा, यहाँ पे वेलोसिटी क्या आएगा प्लस, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या प्लस आएगा, एक्सेलरेशन, क्या प्लस आ रहा है, वीटी ग्राफ, यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है 0। अगर ग्राफ पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, और अगर ये नीचे की तरफ जा रहा है तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, रिटार्डेशन में यहाँ तो कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज, वेलोसिटी क्या हो रहा था, यहाँ वेलोसिटी क्या था, रिमेन सेम, क्या लिखोगे, कॉन्स्टेंट भी बुला सकता है, सही है, रिमेन सेम, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या है, डिक्रीज कर रहा है, इज डिक्रीजिंग। अब बता किसी को कोई दिक्कत है इस चीज में, समझ में आ गया, और अगर हमको इस पूरे का डिस्टेंस निकालना है तो क्या निकाल दोगे तुम लोग, एरिया अंडर कर्व, नया बच्चा लोग आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट था, अगर तुम लोग ये समझ गए तो अच्छा। देखो बच्चा लोग हम लोग जो किए थे लास्ट क्लास में, हम लोग ये वाले ग्राफ का पढ़े थे, हम तुम लोग को बताए थे कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी होगा उसको तुम लोग को क्या लेना है, पॉजिटिव, और एक्स एक्सिस के नीचे जो होगा वो क्या आएगा, नेगेटिव। तो हम लोग ये पूरे अलग अलग पार्ट का क्या निकाले थे, डिस्टेंस निकाले थे, अलग अलग पार्ट का क्या निकाले थे, डिस्टेंस। तो ऊपर वाला जो है वो सब क्या आ रहा है जल्दी बता, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या आ रहा है, नेगेटिव। भैया पहले वाले का अगर एरिया निकाले थे तो वो आया था कितना, 10 m, दूसरे वाले का निकाले तो कितना आया बता, 20 m, और तीसरे वाले का निकाले तो कितना आया, 15 m। तो भैया अगर आपसे पूछा जाए टोटल डिस्टेंस कितना होगा तो सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, 10, 20 और 15 जोड़ दिए तो कितना आ गया बच्चा लोग, 45 m आ गया। तो ये निकल गया तेरा डिस्टेंस, ये क्या निकल गया, डिस्टेंस। फिर हमको अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों चीज होता है, तो हम लोग क्या किए जल्दी बताओ, जो ग्राफ के ऊपर वाला था सबको क्या ले लिए, पॉजिटिव, जो ग्राफ के नीचे वाला था उसको क्या ले लिए, नेगेटिव। तो देख यहाँ पे +10 -20 +15, तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे 10 और 15 कितना हो गया जल्दी बताओ, 25 से 20 घटा दिए तो 5, तो 5 m इसका क्या आया है, डिस्प्लेसमेंट आया है। तो ये चीज को ध्यान रखना, ग्राफ के जो ऊपर साइड में एरिया आ रहा है उसको पॉजिटिव और ग्राफ के नीचे जो ले रहे हैं वो क्या है, नेगेटिव। तो उससे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे डिटरमिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो हम तुम लोग को लास्ट क्लास में क्लियर कर दिए थे ये वाला चीज से, ये फिगर बना के बताओ बच्चा लोग, अगर यहाँ पे अगर ये ऊपर बढ़ता आ रहा है, ये रेड वाला पार्ट में हमेशा जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या आएगा, पॉजिटिव, वो क्या आएगा, पॉजिटिव, और फिर ये ग्रीन वाले पार्ट में जो एक्सेलरेशन आएगा वो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, कॉन्स्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पे तुम लोग देखो नीचे जो आएगा वो क्या आएगा, एक्सेलरेशन माइनस, इसका मतलब क्या होता है जल्दी बताओ, रिटार्डेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है, रिटार्डेशन। तो यहाँ पे भैया वेलोसिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यहाँ वेलोसिटी क्या रह रहा है, सेम रह रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रहा है जल्दी बताओ, घट रहा है, ठीक है, वेलोसिटी क्या हो रहा है, घट रहा है, वेलोसिटी जीरो मत बोल देना, नहीं तो गाड़ी आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, गाड़ी रुका कहाँ पे है, गाड़ी किस पॉइंट पे रुका है,
गाड़ी जो रुका है वो किस पॉइंट पे रुका है, ये पिंक वाले पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पे जाके तुम्हारा वेलोसिटी जो हो जा रहा है वो कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। लेकिन जो यहाँ से यहाँ आया है बच्चा लोग, वो वेलोसिटी क्या हो रहा है बताओ, घटते जा रहा है। वेलोसिटी क्या होते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो चलो हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं इस चीज को। यहाँ पे ध्यान देना सब बच्चा लोग और सुन के बताना, हम लोग यहाँ पे ये सारा चीज निकाले थे। तुम लोग देखो इन दी पार्ट बी डी, तुम लोग के पास यहाँ पे ग्राफ बना होगा बुक में। तुम लोग देखो यहाँ पे कौन कौन सा बात कर रहा है, ये बी से लेके डी, यहाँ से यहाँ तक का ये डाउनवर्ड स्लोप है। ये कहाँ कैसा स्लोप है, डाउनवर्ड। तो इधर वेलोसिटी क्या हो रहा है बच्चा लोग, घट रहा है। अगर वेलोसिटी घटेगा तो बॉडी क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। बॉडी क्या करेगा, रिटार्ड करेगा। तो तुम लोग देख सकते हो यहाँ पे जो पार्ट बीडी में आ रहा है एक्सेलरेशन, वो माइनस में आ रहा है। वो क्या चीज में आ रहा है, माइनस का क्या मतलब है जल्दी बताओ, रिटार्ड कर रहा है। क्या कर रहा है, रिटार्ड। उसी तरह हमसे पूछ रहा है यहाँ पे दो जगह बताओ जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। तनिष्क बताओ यहाँ पे, ये ग्राफ देख के बताओ दो जगह जहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो होगा। भैया पहला तो डीई में होगा और दूसरा कहाँ होगा, जीएच में होगा। ये दो जगह है जहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाता है, जीरो। ये कैसे हुआ, चलो देखो यहाँ पे हम तुम लोग को बताएं। वेरी गुड, जो भी बच्चा भी बोला था एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब स्लोप निकाल लीजिए भैया। यहाँ पे देखो और यहाँ पे देखो, मेरा दोनों जगह जो स्लोप आ रहा है दैट इज वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, फाइव माइनस क्या आ रहा है, फाइव। यहाँ टाइम ले लेते आठ, यहाँ टाइम ले लेते पांच। भैया पांच माइनस पांच को क्या हो गया, जीरो। आठ माइनस पांच क्या हो जाएगा, तीन। तो जीरो बाई तीन तो क्या आने वाला है, जीरो। तो यहाँ पे तुम लोग देखो एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो। तो यही चीज बताए, जब भी ग्राफ तुम्हारा स्ट्रेट लाइन रहेगा वो क्या रहेगा, जल्दी बताओ, वहां पे एक्सेलरेशन जीरो रहेगा। वहां पे एक्सेलरेशन क्या रहेगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन किसके, एक्स एक्सिस के, किसके पैरेलल होना चाहिए, एक्स एक्सिस के स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। ये है भैया हम लोग का एक्स एक्सिस, ये देखो इसके भी पैरेलल आ रहा है, इधर इधर भी पैरेलल आ रहा है। तो अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है बच्चा लोग, एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया। इसका मतलब वेलोसिटी तुम्हारे गाड़ी का क्या है, सेम है, ठीक है। वेलोसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, सही बोल रहा है, मतलब वेलोसिटी क्या है, सेम। हम अपना गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर से, ये एग्जांपल लिया करो, अगर अभी हम भागलपुर से चल छोड़ो कोतवाली चौक से लेके घंटाघर चले जाते, मेरे गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था। फिर हम खलीफाबाद से घंटाघर से फिर हम चले जाते चिल्का मांझी पे, अभी भी मेरा वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर। तो भैया यहाँ पे देखिए, फिर से हम तेरे को डायग्राम बना के दिखाते, यहाँ पे ऐसे करके मान ले 40 किलोमीटर पर आवर से गाड़ी चला रहे, ठीक है। और फिर यहाँ पे तुम लोग देखो, बाद में भी मेरा वेलोसिटी कितना है, 40 किलोमीटर पर आवर, कितने देर बाद, 5 सेकंड के बाद, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, ये आपका इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका फाइनल वेलोसिटी। तो v माइनस यू बाई टी होता है, 40 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे, कितना आ जाएगा बच्चा लोग, जीरो आ जाएगा। अब आया कि नहीं समझ में, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है गाड़ी रुका हुआ है, इसका मतलब ये है कि तेरे गाड़ी का स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट। अब समझ में आ रहा है तुम लोग को, कि ये आज का नहीं, ये पिछला तुम लोग का 4-5 क्लास में ये चीज बता रहे तुम लोगों को। तो इस चीज को ध्यान रखना, अगर एक्सेलरेशन जीरो आता है तो ऐसा क्या जरूरी है गाड़ी का वेलोसिटी जीरो होगा, एकदम नहीं भैया। अगर एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है इसका मतलब आपका वेलोसिटी गाड़ी का क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है, क्या है, यूनिफॉर्म। तो यही चीज हम तुम लोग को बताना चाह रहे थे। अब यहाँ पे तुम लोग देखो ये क्या बताया हुआ है, यहाँ पे एक फिगर और बनाया हुआ है, देख के बताओ ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। ये सबसे इजी चीज है इसको समझने के लिए, हम तुम लोग से पूछेंगे, तुम लोग मेरे को कैलकुलेट कर करके बताना बच्चा लोग। यहाँ पे मेरे सामने जो है ये कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ। अब तुम लोग यहाँ पे देखो, गाड़ी जो है वो तुम्हारा कितने वेलोसिटी से चल रहा है, जल्दी देखो, 4 मीटर पर सेकेंड। इस बार गाड़ी का इनिशियल वेलोसिटी को जीरो से नहीं चालू, कितने से चालू हुआ है, 4 से। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है बताओ, 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये फिगर भी देख के बता पा रहे हो, यहाँ पे गाड़ी का जो वेलोसिटी है जब टाइम जीरो हो रहा था वो 4 मीटर पर सेकेंड था, कितना था। तो ये चीज देखो, हम इसका अगर प्लॉट करें टाइम और एक तरह वेलोसिटी, तो जीरो जब सेकेंड हो रहा था तो गाड़ी का वेलोसिटी कितना था, 4।
जब एक हो रहा था तब भी गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? चार। अब इसके बाद देखो, जब तुम्हारा दो हो रहा है तब भी गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? चार। जब तीन हो रहा है तब भी गाड़ी का वेलोसिटी क्या है? चार। जब तुम्हारा पांच हो रहा है, ठीक है, जब तुम्हारा चार हो रहा है तब भी गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? चार। जब पांच हो रहा है तब भी गाड़ी का वेलोसिटी कितना है? चार। एक बात बताओ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, क्या गाड़ी का वेलोसिटी चेंज हो रहा है? गाड़ी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो क्या गाड़ी रुका हुआ है? नहीं। तो यही चीज समझाना है तुम लोग को। तुम देखो यहाँ पे, आराम से बैठो। अब देखो यहाँ पे क्या बता रहे हैं, यहाँ पे गाड़ी का वेलोसिटी क्या बदल रहा है बच्चा लोग? नहीं, हर सेकंड पे गाड़ी का वेलोसिटी क्या है जल्दी बताओ? सेम है। 0, 1, 2, 3, 4, 5 हर सेकंड पे गाड़ी का वेलोसिटी क्या है? सेम। अब बच्चा लोग एक बात बताओ, गाड़ी चल रहा है कि नहीं चल रहा है, कैसे पता चलेगा मेरे को? तो वो पता करने के लिए हम तुम लोग को यहाँ पे अब एक नया चीज बताएंगे। पहला चीज, तुम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालो। क्या निकालो? डिस्प्लेसमेंट। स्लोप निकालेंगे बाद में। तुम लोग इसका मतलब देखो, ये लाइन ऐसे है, ये लाइन क्या है? ऐसे। इसका मतलब जो एक्सेलरेशन आने वाला है वो क्या आने वाला है? जीरो आने वाला है। एक्सेलरेशन क्या आने वाला है? चलो निकाल के देखते हैं। मेरे को बताओ, इस पॉइंट पे एक फाइनल पॉइंट ले लेते हैं और एक इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 5, 4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है? 0, 4। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है भैया? एक्सेलरेशन निकाल के बता पहले, क्योंकि यहाँ पे सबका एक्सेलरेशन सेम आने वाला है। सबका एक्सेलरेशन क्या आने वाला है? क्योंकि वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ। तुमको भी पता भी दिखाए थे, अगर अभी हम बोले थे भागलपुर में ही हम गाड़ी चला रहे, कोतवाली चौक से लेके खलीफाबाद मेरे गाड़ी का स्पीड था 20 किलोमीटर पर आवर, फिर खलीफाबाद से लेके घंटा घर में भी मेरा गाड़ी का स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर था। तो मेरा क्या चीज सेम आ रहा था? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। मेरा क्या चीज सेम आ रहा था? एक्सेलरेशन और वेलोसिटी। बच्चा लोग यहाँ पे चलो एक्सेलरेशन निकालना है, तो क्या करेंगे जल्दी से बताओ? y2 - y1 / x2 - x1। ये हो गया तुम्हारा क्या? x1 y1। ये हो गया तुम्हारा x2 y2। जल्दी बताओ y2 कितना है बच्चा लोग? 4। y1 भी कितना है? 4। तो यहाँ पे 5 - 0 भैया, x2 कितना है? 5, और x1 क्या है? 0। तुम हमेशा 5 - 0 दिखाओगे, 0 - 5 नहीं दिखा सकते, क्योंकि टाइम जो है कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 4 - 4 क्या हो जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन क्या आ गया? 0। तुम देखो, चाहे 1 सेकंड रहे, चाहे 2 सेकंड रहे, चाहे 3 सेकंड रहे, चाहे 4 सेकंड रहे, चाहे 5 सेकंड रहे, गाड़ी का एक्सेलरेशन क्या था? 0 था। लेकिन अब हम निकाल के तुमको दिखाएंगे गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट। क्या दिखाएंगे तुम लोग को? गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट। तो चलो देखो, यहाँ पे गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाते हैं। तुम लोग ध्यान से देखना, उसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? पानी बताओ, गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, क्या निकालना पड़ेगा? क्या? पानी जिसका नाम है, बोल रहे दोस्तों, एरिया अंडर कर्व। क्या निकालेंगे? एरिया अंडर कर्व। बानी ध्यान दो, तुमको नहीं पता था। यहाँ पे देखो, एरिया अंडर क्या निकालेंगे? कर्व। यहाँ पे देख बच्चा लोग, 1 सेकंड तक यहाँ पे हुआ, ये 1 सेकंड। तो एरिया अंडर कर्व बस किसका लेना है? हम तुमसे टोटल जर्नी का बोलेंगे तो तुम टोटल का ले लेना। लेकिन अगर इफ आई हैव आस्क्ड यू पार्ट वाइज, दैट इज अकॉर्डिंग टू टाइम, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, तो तुम पार्ट वाइज निकालोगे। अगर इफ आई हैव आस्क्ड की बताओ टोटल जर्नी में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? चलो देखो यहाँ पे भैया, आपको टोटल जर्नी निकालना है। हाँ, टोटल जर्नी बी पे आके रुक गया, बी पे आके क्या हो गया है? रुक गया। बस इसके नीचे का कर्व का एरिया निकाल दो। क्या निकाल दो? एरिया। अब हमको देख के बताओ, ये शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा? पहले ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है ये बताओ। भैया देखिए, यहाँ से यहाँ जो है ये 5 आ रहा है, यहाँ से यहाँ क्या आ रहा है? 5, और यहाँ से यहाँ ये कितना आ रहा है? 4। तो 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20। तो गाड़ी रुकने से पहले, गाड़ी पहली बात रुका ही नहीं है, गाड़ी अभी भी चल रहा है, गाड़ी अभी भी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? गाड़ी 20 मीटर कवर कर चुका है। गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर कर चुका है? 20 मीटर। कोई अपना भी क्लास चालू कर रखा है उधर मत करो, यहाँ ध्यान दो, दिक्कत होगा, यहाँ पे पढ़ो पहले।
यहाँ पे डिस्टेंस यही चीज पूछ रहे हैं, कितना मीटर जल्दी से बताओ, 20 मीटर। अब हम तुमसे पूछते हैं, मेरे को बताओ 3 सेकंड में, और जूम कर देते ले, यहाँ पे तुम लोग देखो 3 सेकंड में अगर हम पूछेंगे गाड़ी कितना डिस्टेंस कवर किया, बहुत बढ़िया भैया 3 सेकंड बोले तो आगे से लेना। यहाँ देखो बच्चा लोग, हम इसको ऐसे करके मिला दिए, ऐसे करके क्या किए, मिला दिए, और इसको ऐसे करके सेड कर दिया, ऐसे करके क्या कर दिए, सेड। हमको जल्दी से बताओ यहाँ से यहाँ का बेस कितना आया, 3, और यहाँ से यहाँ का हाइट कितना आया, 4। तो 4 × 3 कितना हो जाएगा, 12। तो भैया गाड़ी 3 सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर किया था, 12। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर हम तुमसे पूछते 4 सेकंड में कितना होगा तो कैसे निकालेंगे, चलो वो भी देखो। 4 सेकंड ये रहा भैया, यहाँ से यहाँ का एरिया निकाल देंगे, ये देखिए भैया ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, 4 × 4 कितना हो जाएगा, 16 मीटर। तो देख सकता है सब बच्चा लोग यहाँ पे जो एरिया आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16 मीटर। तो एरिया अंडर कर्व तुमको क्या देता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो अब देखो दूसरा चीज, यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो वही चीज निकाल रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 सेकंड कितना निकला बच्चा लोग, 20 मीटर। एक्सेलरेशन कितना आया, 0, क्योंकि स्लोप जो आ रहा था बच्चा लोग वो कितना निकाल रहे थे तुम लोग, जल्दी बताओ, 4 − 4 और 5 − 0, 0/5 कितना आ जाएगा, 0 m/s². तो एक्सेलरेशन जो आ रहा था वो क्या आ रहा है, 0। अगर किसी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 था, बॉडी रुका हुआ है, अब यहाँ पे आ जाओ, इफ द बॉडी इज इन फिर हम लोग को क्या करना है, फॉर्मूला देखो, चलो फिर से सीखो,
फॉर्मूला देखो बच्चा लोग, वाई टू माइनस वाई वन बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ये देखो पहला वाला होता है एक्स वन वाई वन, दूसरा वाला होता है एक्स टू वाई वन। ये तेरे में कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, इसका एक्स का इस पॉइंट का एक्स का वैल्यू क्या आ रहा है एक, और वाई का वैल्यू क्या आ रहा है ए टी। इसका क्या आ रहा है भैया, दोनों जीरो कॉमा जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है बताओ, जीरो कॉमा टू। देखो यहाँ पे ए टी माइनस क्या हो गया बच्चा लोग जीरो, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा जल्दी बताओ, एट माइनस जीरो। अभी बताएं तुम लोग को, देखो इक्वेशन निकालना है या डिस्टेंस निकालना है, तो क्या निकालेंगे, एरिया अंडर कर्व। मान लो एरिया अंडर कर्व, यहाँ समझा रहे हैं, यहाँ पे देखो ये इसका एरिया अंडर कर्व अगर देखेंगे तो मेरे को बताओ बच्चा लोग, यहाँ से यहाँ का हाइट क्या आ रहा है जल्दी बताओ, एटी, और यहाँ से यहाँ का हाइट क्या आ रहा है ए। तो टोटल एरिया क्या जाएगा, हाफ इंटू एट इंटू एटी। ये तो बचपन में पढ़ा हुआ एरिया ट्रायंगल होता है, एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, या बेस आठ है हाइट अस्सी है, तो तीन से कट गया इसी बार में क्या आ जाएगा बीस अस्सी हो जाएगा। भैया यहाँ पे देखिए आठ सेक्शन में सारी कितना जल्दी पता चल गया है, तीन सौ बीस हो जाएगा। अगर हम तीसरे क्वेश्चन उसका तुम बताओ, मेरे को छह सेकंड में कितना जो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, मार्किंग कर लेंगे हम लोग, बस इतना शुरू से लेके ना करेंगे इतना का एक नंबर कर निकाल लेंगे। तो बता इस बार ये कितना हाई आ रहा है बच्चा लोग, सिक्सटी, और बेस कितना आ रहा है सिक्स, तो हाफ इंटू सिक्सटी का कितना हो जाएगा वन एटी। तो भैया छह सेकेंड अगर यूनिफॉर्म दिखा देता है तो ग्राफ कैसे जाएगा, भैया नीचे की तरफ
देखो ये जो है ये क्या दिखाना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्या दिखाना चाह रहे हैं, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। यहाँ पे ग्रोथ आएगा बच्चा लोग वो निगेटिव आएगा, वो क्या आएगा निगेटिव। इस बात को तुम लोग ध्यान रखना, वहाँ अपने अपने डायग्राम बनाओ बगल में, जिसका ई पॉइंट है ऐसे करके बना लो, यहाँ पे इनको वी यहाँ पे इनको टी और ऐसे करके यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप दिखाओ। यहाँ पे जो नदी का वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, एक्सीलरेशन जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। नेगेटिव एक्सीलरेशन का मतलब क्या हो जाता है बताओ, रिटार्डेशन हो जाता है, क्या हो जाता है रिटार्डेशन। तो तुम लोग देख सकते हो वेलोसिटी के साथ इक्वल अमाउंट इंक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा वेलोसिटी का इंक्रीज करेगा टू स्पेस टाइम इन टाइम टू टाइम एक्सपेंड। देखो ये भी टाइम एक्सपेंड है, ही का नेगेटिव फ्लो, लेकिन फ्लो जो आ रहा है क्या आ रहा है अंदर कर निकाल देते हैं। तुम लोग अंदर बस इतना सा बता देते हैं लोग,
दो बार में कर दिया कितना आ गया 80। तो डिस्टेंस निकालने के लिए चलो 80 मीटर। तो गाड़ी निकलने से पहले कदम निकालते थे, गाड़ी निकलने से पहले वो कितना डिस्टेंस कवर किया 80 मीटर कवर किया। गाड़ी का एक्सीलरेशन कितना आ रहा था -10। हम हर जगह एसी कर रहे हैं, लोग भी ध्यान दें, अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना रहता है तो स्लोप निकालते, अगर हमको डिस्टेंस या डिस्टेंस निकालना रहता है तो एरिया अंडर कर्व निकालते, बस यही करना है तुमको। अब और देखो क्या बता रहे अभी जो बताए तुम लोग देख सकते हैं, तेरे बुक में भी कैलकुलेशन किया हुआ है यहाँ पे, ये कितना मीटर आया 80 मीटर आया। फिर तुम लोग देखो स्लोप भी निकाला, स्लोप कितना आया जल्दी बताओ, स्लोप तुम्हारा कितना आया था माइनस में आया था। तुम अपने कैलकुलेशन में अगर माइनस नहीं दिखाओगे तो तुम्हारा टीचर तुम्हारा मार्क्स काट देगा, ये बात ध्यान रखना। हम आप लोग से बोले डिस्टेंस निकाल के बताओ, तो डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर क्या करेंगे कर। अब जो जो बच्चा यहाँ पे इसको मान लिया है ट्राइंगल, वो अपना पूरा पहले आंसर काट लो, ठीक है। ये ट्राइंगल है ही नहीं, ये अगर फिगर देखोगे तो ये देखो यहाँ से यहाँ ये हाइट है और यहाँ भी हाइट है, ये क्या है बताओ, ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। तो ट्रेपीजियम का एरिया जिन जिनको नहीं पता अभी भी वो देखो, ये ए है, ये बी है, ये पैरेलल साइड है और ये हाइट है। तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट, ये देखो ये हो गया 10, ये हो गया 40 और ये हो गया 6। तो हाफ इंटू 10 प्लस 40 इंटू 6, तो हाफ इंटू 50 इंटू 6, ये आ गया तुम्हारा 3, कितना मीटर आ गया 150 मीटर। तो देखो गाड़ी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 150 मीटर कवर किया है। तो हम कुछ नहीं किए, बस एरिया अंडर क्या निकाले कर। तो गाड़ी का जो डिस्टेंस आया है बच्चों को कितना आया है 150 मीटर, कितना डिस्टेंस आया है 150 मीटर। अब देखो इसके बाद बात मत करो लड़का लोग, आइयो ना ध्यान दो, तुम लोग क्या मांग रहे हैं स्लोप। अब तुम लोग से क्या मांग रहे हैं स्लोप, स्लोप तुमको क्या देगा एक्सेलरेशन, स्लोप तुम लोग को क्या देगा एक्सेलरेशन। भैया ये वाला पॉइंट ले लीजिए, इस वाले पॉइंट से देख रहे हैं वाई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 40, और इस वाले पॉइंट से वाई जो आ रहा है वो क्या रहा है 10, 40 - 10। इस वाले पॉइंट पे टाइम जो आ रहा है वो क्या रहा है 6, इस वाले पॉइंट पे टाइम जो आ रहा है 0। तो 40 - 10 30, 30/6 5। तो देखो यहाँ एक्सेलरेशन जो आएगा वो क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन में दिया हर पॉइंट पे वही आएगा हर पॉइंट पे। तो देख लो एक्सेलरेशन कितना निकाले तुम लोग 5 m/s² और एक्सेलरेशन कितना निकला 5 m/s² और एरिया अंडर कर्व कितना आया दैट इज टोटल डिस्टेंस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखते हुए यहाँ बुक में तुमको एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है, देखो जरा सब बच्चा लोग, ठीक है। सेम क्वेश्चन तुम लोग को बुक में दिया हुआ है, देखो बच्चा लोग ये वाला सेम चीज अभी हम तुम लोग को बताएं, तुम लोग अगर देखेगा अपने बुक से तो ये वाला सेम चीज अभी हम तुम लोग को बताएं, ये ग्राफ। तो तुम लोग यहाँ पे देखो इसमें बस ये चीज बताना चाहता है, गाड़ी तुम्हारा जो है वो 10 m/s से चालू हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द बॉडी इज इनिशियली नॉट एट रेस्ट, जनरली जब हम लोग चालू करते हैं यहाँ से ओरिजिन से तो वेलोसिटी क्या हो जाता है 0। तो ये इनिशियली कहाँ से चालू होता है रेस से, लेकिन यहाँ रेस से नहीं होके कहाँ से चालू हुआ 10 m/s से। तो
तो देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या होगा, पहले तो अगर हमको एरिया अंडर कर्व निकालना होगा तो हमको क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस, क्या निकल जाएगा, डिस्टेंस। भैया यहाँ से यहाँ 10 हो गया, यहाँ से यहाँ कितना है, देखो ध्यान से, वो 40 है, 30 और 40 के बीच में कितना आएगा, 35, और यहाँ से यहाँ कितना आ गया बच्चा लोग, 5। तो देख यहाँ पे एरिया अंडर कर्व जो निकलेगा, हाफ इंटू 10 + 35 इंटू क्या हो जाएगा, 5। तो हाफ इंटू ये कितना आ रहा है, 45 × 5 आ जा रहा है। कोई दिक्कत है इस चीज में, 45 × 2 कितना होता है, 90, ठीक है। तो 90 × यहाँ पे 4 करेंगे, 180 में और एक बार हमको 45 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ गया, 225 डिवाइडेड बाई क्या आ गया, 2 आ गया। अब भैया ये कटा दो 2 से, 112 क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो देखो यहाँ पे ये जो गाड़ी ट्रेवल किया है वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, और ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेम, क्योंकि सेम डायरेक्शन। तो यहाँ एरिया अंडर कर्व निकाले। अब चलो यहाँ पे देखो बच्चा लोग, स्लोप निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे देखो इस पॉइंट का बात करते हैं, ये रेड वाला का, ये कितना आ रहा है बताओ, 35, कितना आ रहा है, 35। और यहाँ पे ये कितना टाइम आ रहा है जल्दी बताओ, 10। यहाँ पे टाइम नहीं, वाई टू कितना आ रहा है, 10। फिर यहाँ पे टाइम कितना आ रहा है बच्चा, 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 0। 25 से 10 गया, 35 से 10 गया, 25, और यहाँ 5 कट गया, कितना आ गया बच्चा लोग, 5 m/s². तो गाड़ी का भी एक्सेलरेशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 5 m/s². जो जो बच्चा ये दोनों चीज अब निकाल पा रहा है उसको दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं निकाल पा रहा है घर जाके वीडियो जरूर देख लेना। अब इसके बाद देखो आगे क्या है, यहाँ देखो डिस्टेंस भी निकाले थे हम लोग भी, 112.5 आया, और इसके बाद एक्सेलरेशन भी निकाले, कितना आया, 5 m/s². अब आता है केस 3। ये केस 3 क्या है, चलो देखो यहाँ पे बोलता है, यहाँ पे ध्यान से सुनना, कंसीडर द मोशन ऑफ ए बॉडी रिलीजिंग फ्रॉम ए हाइट टू फॉल डाउन वर्टिकली। हम यहाँ बिल्डिंग से खड़े हैं और बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर को नीचे फेंकते हैं, ध्यान दो, बिल्डिंग में तो तुमको फेंकनी, यहाँ पे देखो ऐसे करके क्या करती है, बिल्डिंग के ऊपर से पत्थर को ऐसे करके क्या किए, नीचे फेंकती है। तो हमको बताओ इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0। इसको हम लोग बोलते हैं फ्री फॉल, क्या बुलाते हैं, भैया ग्रेविटी के तरफ ही गिर जाता है। तो तुम लोग देखो बच्चा लोग यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखो, ये दिखा रहा है ऐसे करके कि पहले धीरे धीरे, ध्यान देना, ये दिखा रहा है पहले ऐसा और फिर ऐसा, इसका क्या मतलब है समझो। अब देखो मयंक, ये वाला पॉजिटिव होगा, ये वाला क्या होगा, अगर हम तुमसे पूछे कि ये पत्थर कितना ट्रेवल किया है, तो एरिया अंडर कर्व निकाल दो, 1/2 × 5 × 50, कितना आ गया बच्चा लो, 125 m। और फिर इधर देखो इसका निकालेंगे, ये भी कितना है, 50, और यहाँ 10 - 5 करेंगे, ये भी क्या आ जाएगा, 5, 1/2 × 5 × 50 करेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा, 125। लेकिन ये किसने आएगा, इसका मतलब क्या हुआ है पता है, इसका मतलब पत्थर ऊपर गया और पत्थर घूम के वापिस आ गया, है कि नहीं। तब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है बच्चा लोग, 0 हो जाता है। लेकिन मान ले अगर पत्थर ऊपर 125 m गया, नीचे भी 125 m गया, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 250 m। क्या किए भैया, जोड़ दिए। तो यहाँ पे यही चीज सिखा रहे हैं तुम लोग को, इस ग्राफ में तुम लोग को बस यही चीज देखना है कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो क्या हो जा रहा है, दोनों जुड़ जा रहा है, दोनों क्या हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है। और डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, 0, क्योंकि एक ऊपर गया तो एक क्या आया है, नीचे। जब घूम से तुम वापिस वहीं आ जाते हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना, तुम लोग देखो दोनों जगह तुम्हारा एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 10 m/s² आ रहा है, लेकिन टोटल डिस्टेंस देखो कितना आ गया, 250, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पूछेंगे तो क्या आ जाएगा, 0, वो भी दिया होगा निकाल के। ये देखो डिस्प्लेसमेंट क्या आया बच्चा लोग, 0 आ गया। अब खत्म हो गया वीटी ग्राफ, अभी तक जो पढ़े उसको कंक्लूड कर रहा है, ध्यान से सुनना, अगर कोई बॉडी, ध्यान दे, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, उसका कैसा लाइन आएगा, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर ऐसा ग्राफ आ रहा है तो लिख लो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ये क्या है, लेकिन ये कौन सा ग्राफ होना चाहिए, वीटी ग्राफ।
ठीक है, इफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस, सेकेंड पार्ट में बोल रहा अगर ऐसा है ठीक है, इंक्लाइंड टू टाइम एक्सिस द मोशन इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन अगर ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप होगा, यहाँ देखो ऐसा होगा, तो यूनिफॉर्म क्या होगा, रिटार्डेशन। यहाँ पे देखो ये जो बताए हैं ग्राफ, ये ए के लिए है, ये बी पॉइंट के लिए है और ये सी पॉइंट के लिए, ठीक है। तो इससे अच्छा हम तुम लोग के लिए बना देते हैं, जैसे हम पहले भी बनाए थे। देख बच्चा लोग तीन ग्राफ बना रहे हैं, वीटी वीटी वीटी। अगर ग्राफ तुम्हारा ऐसे स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब ये क्या है, जल्दी बताओ, यूनिफॉर्म क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर लाइन ऐसा आ रहा है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब एक्सेलरेशन क्या आएगा, जीरो। यहाँ एक्सेलरेशन क्या आएगा, पॉजिटिव। और अगर ग्राफ ऐसा आ रहा है, इसका मतलब यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस। यहाँ वेलोसिटी क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। यहाँ वेलोसिटी, ये तीन ग्राफ हुआ। और चलो देखो अब यहाँ बोलता है द स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन और द टेंजेंट टू द कर्व एट एन इंस्टेंट गिव्स द एक्सेलरेशन, ये भी बताए तुम लोग को। अगर अब तुम लोग यहाँ पे देखो, इसने तीन चीज पढ़ा, अगर स्लोप तुम्हारा ये तीन आ रहा था, यहाँ पे अगर वीटी ग्राफ का स्लोप निकाल रहे, ये क्या आ रहा था जल्दी बताओ, पॉजिटिव। ये क्या रहा था, जीरो। और ये क्या रहा था, नेगेटिव आ रहा था। तो यहाँ पे देखो द पॉजिटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी इंक्रीजिंग, द नेगेटिव स्लोप मीन्स वेलोसिटी डिक्रीजिंग, द जीरो स्लोप मीन्स कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। यहाँ पे वेलोसिटी क्या है बच्चा लोग, कॉन्स्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कॉन्स्टेंट, ये ध्यान रखना। Knowing the acceleration at different instant from the velocity time graph, we can draw acceleration time graph. VT graph से हम लोग क्या बना सकते हैं, AT भी बना सकते हैं और VT भी। कैसे, देख ये VT graph है, अगर हम slope निकाल लेंगे तो क्या दे देगा, acceleration। अगर हम area under curve निकाल लेंगे तो displacement दे देगा, क्या दे देगा, जो जो हम लिखते जा रहे हैं, अगर तुम भी बगल में लिख लोगे तो तुम्हारे लिए आसान होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे चौथा बात, द एरिया इंक्लोज, ये बता चुके हैं तुम लोग को, ये सब बता दिए। एरिया क्या दे देता है तुम लोग को, जल्दी बताओ, एरिया अंडर कर्व, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट या, और स्लोप क्या दे देता है, द एरिया ऑफ टाइम एक्सिस। अब दूसरा चीज यहाँ पे देखो, इसने ये बात बताए थे, अगर ग्राफ ऐसा है, देखो ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव आ रहा है और ये निगेटिव आ रहा है, तो दोनों को मिला के हम लोग क्या निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्टेंस होगा तो सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, सब क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बस यही चीज है और कुछ भी नहीं है।